पूर्णिया पुलिस ने जमीन कारोबारी संपत पासवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में दो महिलाओं सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। 5 दिनों से अगवा संपत पासवान का एक घर से कल शव मिला था। सदर SDPO सुरेंद्र कुमार सरोज ने पूरे मामले का खुलासा किया है। हत्या में शामिल मुख्य आरोपी महिला आशा देवी से पूछताछ के बाद मामले से पर्दा उठा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में शामिल महिला की बेटी और एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि 1 सप्ताह पहले से जमीन कारोबारी संपत पासवान को अगवा किया गया था। बाद में उसकी हत्या कर शव को मिट्टी में गाड़ दिया गया था। मृतक का लड़का सन्नी कुमार दिनांक 14/12/2021 को एक गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जिसके संबंध में सदर थाना कांड संख्या 673/21 दिनांक 14/12/2021 धारा 363 365 भादवी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वो दर्ज होने के बाद से ही लगातार इसमें संपत पासवान की तलाश में छापामारी में स्थानीय पुलिस या सदर थाना की पुलिस के द्वारा उसकी बरामदगी हेतु लगातार प्रयास किया गया, और इस छापामारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दयाशंकर के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया, और टीम का नेतृत्व के लिए मुझे भार सौंपा गया। उस टीम में सदर थाना के अनुसंधानकर्ता वरुण कुमार झा, कुवानी संतोष कुमार, जितेंद्र प्रसाद, परीक्षमान अवर निरीक्षक अंशु कुमारी और तकनीकी शाखा प्रभारी आनंद पंकज, सिपाही सरोज कुमार, रोहित कुमार इस टीम में शामिल थे। और अनुसंधान के क्रम में और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में तथा गुप्त सूचना के आधार पर इस कांड में संदेही सिया देवी उर्फ आशा देवी को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया। आशा देवी के निशानदेही पर इस कांड में प्रयुक्त चाकू का बेट, मृतक का चप्पल, कुदाल, शराब की बोतल, ग्लास इत्यादि भिन्न भिन्न जगहों से बरामद किया गया। तत्पश्चात सिया देवी के ही निशानदेही पर दिनांक 16/12/21 को सरना चौक स्थित रामबाग के पास एक नवनिर्माधीन पक्का मकान के एक कमरा से मिट्टी के अंदर से खोदकर अपहृत संपत पासवान का शव बरामद किया गया। इस कांड में संलिप्त अभियुक्तों को भी गिरफ्तार तत्क्षण ही किया गया, और गिरफ्तार अभियुक्त का नाम सिया देवी उर्फ आशा देवी, पति सुबोध सिंह, ग्राम